Friends, how are you all? First of all, good morning to all of you. I, Acharya Kuldeep Saxena, once again welcome you in today's online video organized by Dr. Devendpal Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Bellary. Students, you will be very glad to know that today we shall solve exercise 2.2 of your mathematics book. Okay, आपकी मैथमेटिक की किताब में हम एक्सरसाइज 2.2 आज सॉल्व करेंगे. तो प्यारे बच्चों, समय ख़राब ना करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं. हमारा क्वेश्चन वन है, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. हमें फाइंड द सम ना करके वैल्यू कर देंगे हम. फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू पता करनी है बाय सूटेबल अरेंजमेंट, सूटेबल अरेंजमेंट करते हुए. अब सूटेबल अरेंजमेंट क्या होता है, ये थ्री नंबर्स हैं हमें प्लस करने हैं, और थ्री नंबर प्लस करने हैं तो डायरेक्ट अगर हम प्लस करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं. तो हम इसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इजी बनाते हैं. हमें पता है कि 837 जो है, और इसमें अगर हम 363 को प्लस करेंगे पहले तो हमारा 1200 हो जाएगा. 7 और 3 ज़ीरो देता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो पहले लेंगे 837 और प्लस 363 लिखेंगे, और हम यहाँ पर जो 200 रह जाता है उसे बाहर लिख देते हैं. ओके, अब हम यहाँ पर जब इसको प्लस करते हैं तो हमारा इजी हो जाता है, ये बन जाता है 1200 और प्लस ये हो जाएगा 208. अब देखिए, आपने 100 वाली डिजिट में 100 वाली प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1408. हमने बहुत आसानी से इसको यहाँ ऐड कर दिया. अब इसमें देखेंगे, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, ये थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. डायरेक्ट करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आसान बनाते हुए हम अरेंजमेंट को रीअरेंजमेंट करेंगे तो 25 के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इजी मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेते हैं और जो रह जाता है 166 उसे बाहर ले लेंगे. ओके, मल्टीप्लीकेशन में आपस में हम जो फैक्टर्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट हमारा सेम होगा. तो अब हम देखेंगे 25 टू जा कितना बन जाएगा, 50 मल्टीप्लाई और 166. ओके, तो अब यहाँ पर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 5 6 जा हमारा 30, ठीक, और 3 कैरी कर देंगे, 5 6 जा फिर 30 हो जाएगा, और 3 प्लस के हैं तो 3 यहाँ ले लेंगे, फिर 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 8, और ये लास्ट का 0 हमने यहाँ ऐड कर दिया. तो इस तरह से ये हमारी क्या है, ईजी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है. ओके, अब हम देखेंगे आगे, इसमें यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, मगर डायरेक्ट हम करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा इजी करेंगे तो हमें पता होगा कि अगर हम 125 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा. ठीक, ऐसे ही हम 25 की अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 1000 मिलेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 की मल्टीप्लाई 8 से, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के 40 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे. ओके, यहाँ देखेंगे हमारे इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, 1000. तो ये कितना बन जाएगा, 1 1 जा 1, और आपको कितने जीरो ऐड करने हैं, 3 and 3 6 0. ओके, योर आंसर इज़ दिस. तो इस तरह से ये हमारा रीअरेंजमेंट करते हुए हमने यहाँ ये सॉल्यूशन प्राप्त किया है. स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू. हमें जो यहाँ ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है. तो हम इसकी वैल्यू में देखेंगे, यहाँ पर 297 की मल्टीप्लाई 17 से कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर 297 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे प्लस कर रहे हैं. ओके, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज़ दैट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज़ दैट. ओके, यहाँ पर जो दोनों टर्म्स में हमारे पास एक कॉमन नंबर है,
कॉमन नंबर हमारा कौन सा है 297, 297 इस टर्म में भी है, 297 इस टर्म में भी है, तो हम इसको हम कॉमन ले लेंगे 297 और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस टर्म में से 297 से 297 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रह जाता है 17 प्लस इस टर्म में से फिर 297 से 297 को डिवाइड कर देंगे आपस में तो हमारे पास रह जाता है ओनली 3। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं हम 297 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 20। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 जा 14, 1 कैरी, 29 जा 18, 1 19, फिर 1 कैरी, 22 जा 4 और 1 5, लास्ट का 0 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन या वैल्यू हमें मिल जाती है। इसमें देखेंगे यहाँ पर भी हमारी दो टर्म्स हैं, एक तो यह है और एक ये है। ओके, अब हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर कोई दिखाई नहीं देता, जब कॉमन फैक्टर हमें दिखाई नहीं देता तो हम लिखते हैं 3845 मल्टीप्लाई 578282 प्लस 769, इसके प्राइम फैक्टर हम यहाँ कर देते हैं, यानी कि 55 जा 25 कर देते हैं, 25 के फैक्टर्स हमने लिख दिए 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी आगे की 218 सेम रहेगा मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास आता है 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस, इसमें इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जब यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 3845 और जो रह जाता है 5 × 218, ये हमने आगे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप कि अब हमारे पास दो टर्म्स फिर मिलती हैं इस तरह, और इन दोनों टर्म्स में 3845 × 5 और 3845 × 5 ये कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसमें से डिवाइड इससे करते हैं तो हमारे पास रह जाता है 782 प्लस इस टर्म में से भी इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाता है 218। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे लिखेंगे 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 4 = 22, 2 कैरी, 5 × 8 = 40 और 242, 2 और 4 कैरी, 5 × 3 = 14 और 1 9 और मल्टीप्लाई में हमारे पास इसको हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 1000। इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो 19225 और लास्ट के ये 30 आपको यहाँ रखने हैं, तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी वो ये मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन प्राप्त किया। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। वेंडर कौन होता है, वेंडर जैसे मिल्कमैन एक वेंडर होता है घूमने वाला, जो गलियों में घूमते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो वेंडर्स होते हैं। तो एक वेंडर सप्लाइज पहुँचाता है 32 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक, 32 लीटर मिल्क टू अ होटल, एक होटल में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क, और जो 68 लीटर मिल्क है वो इन द इवनिंग, शाम को देता है। तो इस तरह इफ़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क, यदि जो मिल्क की कॉस्ट है, कीमत है, इज़ ₹45 पर लीटर, एक लीटर की कॉस्ट कितनी है ₹45, हाउ मच मनी, तो कितना धन इज़ गिवन, दिया जाता है टू द वेंडर पर डे, वेंडर को प्रतिदिन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में दूध कितना सप्लाई किया जाता है 32 लीटर्स, ओके, एंड मिल्क सप्लाइड इन
द इवनिंग, इवनिंग में हमारा जो मिल्क सप्लाई किया जाता है वो 68 लीटर है. ओके, सो टोटल सप्लाइड मिल्क, टोटल सप्लाइड मिल्क कितना है? अब हमारा ये 32 प्लस 68 दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी. एंड देन नाउ वी राइट रेट ऑफ पर आवर मिल्क, पर मिल्क, पर लीटर मिल्क. तो हमारे पास एक लीटर जो मिल्क की कॉस्ट है वो हमारा ₹45. ओके, तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है, हम रेट की जगह कॉस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट लिखना ज़्यादा से अच्छा रहेगा. कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क ₹45. सो टोटल अमाउंट टू बी पेड, जो टोटल अमाउंट बनेगा पेड करने के लिए वो हमारा बनेगा 45 की मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई यह हमारा ये 100 हो जाएगा. ओके, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4500 आपका आंसर होगा. तो इस तरह हम यहाँ देखेंगे, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर हो गया, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर है, टोटल सप्लाइड मिल्क हमारा 32 प्लस 68, कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क लिखेंगे यहाँ पर 45, और 45 से टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. तो इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व किए गए. तो मैं आशा करूँगा आपने अच्छे से समझे होंगे और सॉल्यूशन को फिर से देखें, फिर समझें. PDF के माध्यम से इनका सॉल्यूशन आप तक भेजा जा रहा है, ध्यान से देखकर फेयर कॉपी में नोट करेंगे और मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.